टिहरी पुलिस त्योहारी सीजन को लेकर सक्रिय हो गई है। त्योहारों के चलते बाजार में काफी भीड़ नजर आ रही है, इससे कोरोना का खतरा भी बढ़ गया है। इसको देखते हुए पुलिस ने नई टिहरी में मार्च पास्ट कर लोगों को जागरूक किया। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ योगेंद्र रावत भी शामिल हुए। उन्होंने लोगों को कोरोना से बचने के लिए सभी लोगों को मास्क पहनने, साबुन से हाथ धोने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया। एसएसपी ने कहा कि त्योहारों को देखते हुए सभी थानों में इस तरह का अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोगों को कोरोना से बचने के लिए जागरूक किया जा सके। जो ये कोविड-19 से संबंधित जो सारे समस्याएं जो उत्पन्न हो रही हैं, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण इसके खिलाफ लड़ाई में हथियार हैं, और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए ये टिहरी पुलिस द्वारा समस्त थानों में ये एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें कि एक मार्च पास्ट शहर के जो प्रमुख क्षेत्र हैं, प्रमुख सड़कें हैं, उनमें निकाला जा रहा है और आम जनता को इस ओर सजग किया जा रहा है कि वो कोविड-19 के प्रकोप से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, इन दो चीजों का पालन। कोरोना को मात दे चुके हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सेंथिल अवुदय कृष्णराज एस ने अपने कोरोना के इलाज के दौरान के अनुभव साझा किए। उन्होंने लोगों से कहा कि किसी को भी कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। एसएसपी ने कोरोना से बचने के लिए मास्क का उपयोग करने के साथ हाथों को बार बार धोने और शारीरिक दूरी बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव का यही सबसे कारगर तरीका है। कोरोना को हराने के लिए एसएमएस का फॉलो करना बहुत आवश्यक है। एसएमएस मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन। कभी भी बाहर जाते हैं, सभी से जो है 2 गज का दूरी बना के रखिएगा, जरूर मास्क पहनिएगा और बाहर जाके घर के वापस आने पर जो है अपने हाथों पर साबुन या सैनिटाइजेशन से साफ करके रखिएगा। अभी दिवाली और त्यौहार का समय है, बाजार में भीड़ भाड़ ज्यादा रहेगा। जब भी आप जाते हैं, इस जो एसएमएस का मूल मंत्र को जरूर फॉलो करिएगा, कोरोना को हराएगा। और यदि आपका कोई कोविड का लक्षण पाया गया तो तत्काल रूप से नजदीक स्वास्थ्य केंद्र या स्टेट हेल्पलाइन नंबर को संपर्क करिए।